दिव्या और नेहा में हुई फाइट, डिबेट टास्क में जमकर हुआ हल्ला बोल। बिग बॉस ओटीटी में डिबेट टास्क में नेहा भसीन और दिव्या अग्रवाल ने एक दूसरे पर जमकर हल्ला बोल किया और दोनों खुद को डिजर्विंग कैंडिडेट बताती नजर आई हैं। नेहा ने खुद को यूनिक बताया और ये कहा कि वो नहीं चाहती हैं कि कोई नेगेटिव कंटेस्टेंट बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी जीते। वहीं दूसरी तरफ नेहा द्वारा खुद को नेगेटिव बताए जाने के बाद दिव्या गुस्से से लाल हो गई और दिव्या ने नेहा को ये बताया कि वो यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आई है, वो यहाँ गेम खेलने और उसे जीतने आई है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दिव्या ने फिर इंडिविजुअल गेम खेलने वाला पॉइंट गिनाया और ये कहा कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरा कोई स्टैंड नहीं लेता, मैं अकेले लड़कर यहाँ तक पहुँची हूँ। तब नेहा ने यह कहा कि आखिर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है, ऐसा क्यों है? उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ तो बुरा लगा होगा, भले ही तुमसे सभी बातें करते हैं लेकिन कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ नेहा ने दिव्या को ये भी कहा कि हम गलती करते हैं तो उन गलतियों से सबक लेते हैं, लेकिन तुम अपनी गलती स्वीकार तक नहीं करती। जिसके बाद दिव्या ने ये कहा कि वो यहाँ इंडिविजुअल गेम खेलने आई है और मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे जो करना था वो मैंने किया और इसीलिए मैं फिनाले वीक तक पहुंची हूं। नेहा ने दिव्या पर दर्शकों को स्टूपिड बोलने का आरोप भी लगाया। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किए। एक वक्त ऐसा आया कि दिव्या के एलिगेशंस के आगे नेहा हारती हुई नजर आई और नेहा ने ये कह दिया कि मेरी डिबेट बस यहीं ख़त्म हो गई। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि डिबेट में दिव्या नेहा पर हावी नजर आई। दिव्या ने खुलकर अपना पक्ष रखा जबकि नेहा अपना पक्ष रखने में कमज़ोर पड़ती दिखाई दी। आपको बता दें कि इस टास्क के माध्यम से बिग बॉस ने घर के सभी सदस्यों को ये मौका दिया था कि वो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे। अभी टास्क के 3 राउंड हुए हैं। नेहा और दिव्या में से दर्शकों का दिल जीतने में कौन कामयाब हुआ है ये देखना दिलचस्प होगा। बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।